हरे कृष्णा, गोविंद दास क्यूजिन में साउथ इंडियन रेसिपी के साथ आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आज की हमारी जो रेसिपी है वह है साउथ इंडियन रेसिपी, जिसे आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर पे भी सर्व कर सकते हैं। रेसिपी का नाम है सांबार राइस, या फिर इसे सांबार सदम भी कहा जाता है। यह बनाना बहुत ही आसान है और हेल्दी भी है। यह बहुत हेल्दी है क्योंकि इसमें हम बहुत सारी सब्जियों का भी इस्तेमाल करेंगे। यह एक क्विक रेसिपी है, घर में मौजूद इंग्रेडिएंट्स के साथ ही इसे बनाई जाती है। इसे आप घर में कोई भी संडे फीस्ट हो या हाउस प्रोग्राम हो, किसी में भी आप इसे प्रसाद के तौर पर दे सकते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कप इतने चावल। यहाँ पर हमें बासमती चावल यूज़ नहीं करने हैं। उसी के साथ डाल देंगे आधा कप जितनी तूर दाल, पानी डालेंगे और अच्छे से धो लेंगे। अच्छे से धो लिया है, इसमें हम डालेंगे 5 कप जितना पानी और 15 मिनट के लिए भीगने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गई है, दाल चावल अच्छे से भीग कर तैयार है। इसे हम कुकर में ट्रांसफ़र कर लेंगे पानी के साथ ही। 1 चम्मच जितना नमक डाल देंगे, आधा चम्मच जितना हल्दी पाउडर, मिक्स कर लेंगे। ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर इसकी 3 विसल बजानी है। यहाँ पर हमने एक बड़ा नींबू आता है वह साइज की इमली ले ली है। पानी डालकर एक बार इसे धो लेंगे। एक चौथाई कप जितना पानी डालेंगे और आधे घंटे के लिए भीगने के लिए रख देंगे। आधे घंटे के बाद इसका जो पल्प है इमली का, वह हम निकाल कर साइड में रख देंगे। सांबार राइस बनाने के लिए यहाँ पर हमने कुछ सब्जियाँ ले ली है। एक सहजन है, एक गाजर है, 5 से 6 जो बीन्स ली है, एक आलू है और 2 बैंगन ले लिए हैं। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून जितना तेल गरम करेंगे, 1 चम्मच जितनी सरसों, 1/4 चम्मच जितने मेथी के दाने, उसको लो फ्लेम पर चटकने देंगे। 1/4 चम्मच जितनी हींग डालेंगे, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच जितना हल्दी पाउडर और थोड़े से करी पत्ता। अब हमने जो सब्जियां कट करके रखी थी वह सब डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। इस रेसिपी में इस्तेमाल की गई सारी सामग्री की लिस्ट हमने मेजरमेंट्स के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। अब इसे हमें 5 से 6 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक करना है। आधा घंटा हो गया है, कुकर ठंडा हो चुका है, आइए चेक कर लेते हैं। और दाल और चावल अच्छे से कुक हो गए हैं, इसे भी साइड में रख देंगे। पाँच से छः मिनट के बाद सब्जियां जो है वह 50% जितनी कुक हो चुकी है। एक टमाटर डालेंगे और 2 टेबलस्पून जितना इमली का पल्प जो हमने साइड में रखा था, 1/2 चम्मच जितना लाल मिर्च पाउडर और 2 टेबलस्पून जितना सांबार मसाला पाउडर, 1 कप जितना पानी डालेंगे और मिक्स कर लेंगे। अगर आप होममेड मसाला, घर पर बनाए हुए मसाले खरीदना चाहते हैं तो हमने व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां पर ऑर्डर कर सकते हैं। अब इसे हमें 6 से 7 मिनट के लिए ढककर उबालने के लिए रख देना है।
यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो गई है और यह उबल रहा है और सब्जियाँ जो है वह 80% जितनी कुक हो चुकी हैं। दाल और चावल जो हमने कुक करके रखे थे वह इसमें डाल देंगे। लो फ्लेम ही रखना है और मिक्स कर लेना है। अगर आप सभी रेसिपीज इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो YouTube पर कृष्णास क्यूजिन में भी देख सकते हैं। चैनल की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। और 1 कप पानी मिलाएंगे, तो टोटल यहाँ पर हमने 7 कप जितना पानी मिलाया है। अब 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर कुक कर लेंगे। पाँच मिनट हो गई है, एक बार मिक्स कर लेंगे ताकि वह नीचे से जल ना जाए और फिर से इसे कुक करने के लिए रख देंगे। टोटल 10 मिनट हो गई है। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि ठंडा होने के बाद वह और भी गाढ़ा हो जाएगा। आखिर में हम 1 टेबलस्पून जितना घी डालेंगे, मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारा सांबार राइस जो है वह बिल्कुल तैयार है। स्टोव को बंद कर देंगे। बारीक काटे हुए धनिया से इसे गार्निश करेंगे। यहाँ पर हम सांबार राइस को दही और पापड़ के साथ सर्व कर रहे हैं। तुलसी पत्र रखकर ठाकुर जी को भोग अर्पण करेंगे। ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। अगर रेसिपी पसंद आई है तो बनाकर ठाकुर जी को भोग अर्पण कीजिए और प्रसाद के रूप में ग्रहण कीजिए। अगर आपको प्रसाद की रेसिपीज अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि प्रसाद की रेसिपीज आपको मिलती रहे। हमेशा जपिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।